मौसम की आखिरी आइसक्रीम। मौसम की आखिरी आइसक्रीम ऐसे नहीं कि ग्रोसरी स्टोर की आखिरी आइसक्रीम से, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर में होते थे हमेशा नए आश्चर्य, नए सेल, फिर से सेल, बेहतर सेल। अभूतपूर्व आइसक्रीम के मौसम में कुछ भी और न खा पाने के मौसम में, भयानक राजनीति से घिरे होने के मौसम में, किसी रणनीति के न होने के मौसम में, गर्मियों के शुरू होने के मौसम में, बर्फ के पिघलने के मौसम में, बाहर की हवा में देर तक सांस ले सकने के मौसम में, सिर्फ बाहर हो सकने के मौसम में, हवा में बाहर की, पत्तों के आने के मौसम में, पेड़ों के फिर से जिंदा होने के मौसम में, गुजारने में उन मौसमों के बहुत जल्दी, गुजरने में उन मौसमों के बहुत जल्दी, पेड़ों के यूँ रंग बदलने में कि घंटे घंटे की खबर पहुँचती हो आपके पास, पतझड़ के मौसम में पत्तों के बेरहमी से बेवजह गिरने के मौसम में, मौसम में प्रेमी के इंतज़ार के पत्तों के खड़कने के मौसम में, मौसम में वहशी हवाओं के जानलेवा ठंड लाहट में, खरीद कर कुछ दूर के ग्रोसरी स्टोर से दो बड़े आइसक्रीम के बाल्टी सरीखे डब्बे, थामे उन्हें दोनों हाथों में तेज कदम चलती हुई लड़की वह नारी, अब आधुनिक युग की अकेली नारी वह उठाए परचम आज़ादी का इस चिंता में कि कहीं पिघल न जाए सेल की आइसक्रीम, इस चिंता में कि कहीं न पिघल न जाए सेल की आइसक्रीम, जमा लेने के बाद ग्रोसरी स्टोर के कार्ड्स में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, कुछ और तेज़ चलती हुई बिल्कुल तय कर चुकी कि फ़ोन भी करेगी और बोलेगी शिकायत अपनी अंग्रेज़ी में। दस्तानों के चुरा लिए जाने के बाद, उनकी रपट न लिखाने के बाद, सिर्फ एक जोड़ी दस्ताने के बच जाने के बाद, बर्फीली हवाओं के चलने से पहले, भाले और बर्छी के चलने से पहले, बर्फ के सड़क पर जम जाने के मौसम में, कतरा कतरा नमक को तरस गए भोजन पर के सारे पहरों के मौसम में, परिचय पाते कदम कदम पर एक रंगीन हिंसा का, पीली भूरी काली सफ़ेद बहुरंगी हिंसा का, ख़ास रंग के परिधानों का खेल, खेल की हिंसा, मशीनी हिंसा, दस्तानों के भीतर अकड़ कर टेढ़ी हो गई उंगलियाँ, जब सिर्फ दर्द की तरह महसूस हों ऐसे मौसम की लड़ाई, या कि लड़ाई का ऐसा मौसम। एक कविता मौसमों के बारे में, ये कनाडा में लिखी गई थी, गीत लगाते मेरे पांचवें संग्रह से। आशा है पसंद आएगी। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें।